Assalamu alaikum students. Today I am going to teach you 9th class biology first chapter, that is introduction to biology. So first topic is here, these are the major concepts. First is the introduction of biology, then definitions of biology, divisions and branches of biology, relations of biology and so on. So without wastage of time, let's get started. तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम समझ लेते हैं बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक ब्रांच है जो कि हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो एक दूसरे से साइज में, कॉम्पोजिशन में और शेप में डिफरेंट है. ठीक है, बायो का लफ्ज़, बायोलॉजी का लफ्ज़ दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग स्टडी. यानी ये ऐसी स्टडी है, ऐसा एक इल्म है ये बायोलॉजी जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर इंटरनली और एक्सटर्नली तौर पर जितने भी चीज़ें हो रही होती हैं, सारे फंक्शंस और सारे केमिकल रिएक्शंस को हम और उनकी तमाम होल लाइफ को हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर. सो वॉट इज़ लाइफ? लाइफ को हम प्रॉपरली तौर पर डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, फंक्शंस हो रहे होते हैं, उसकी बेस पर हम लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट नंबर पे आता है डाइजेशन. डाइजेशन के प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि ब्रेकिंग डाउन होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स की, किसके अंदर? माइक्रोमोलिक्यूल्स में. ठीक है, फूड का ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस होता है डाइजेशन. देन रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन में क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होती हैं, यानी गैसेस का एक्सचेंज होता है. ऑक्सीजन जो है वो हम इनटेक कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल आउट कर देते हैं, इसको रिस्पायरेशन कहते हैं. देन मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ या कोई भी रिएक्शन में कोई चीज़ बन रही होती है और कोई भी रिएक्शन के अंदर कोई चीज़ टूट रही होती है, तो इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर टूटने और बनने का अमल जो है वो जारी रहता है, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मूवमेंट. मूवमेंट का मतलब है क्या? हरकत करना. किसी भी बॉडी ऑर्गेन के किसी भी बॉडी पार्ट्स को हम मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस की जानिब, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या कहलाती है? मूवमेंट कहलाती है. ग्रुप. फिर आ जाते हैं ग्रोथ के ऊपर. ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन साइज़, यानी किसी साइज में किसी फॉर्म के अंदर चेंज होना, उसके अंदर मज़ीद डेवलपमेंट आ जाना, इसको हम कहते हैं ग्रोथ हो रही है. देन नेक्स्ट हमारे पास है डिवेलपमेंट. डिवेलपमेंट में क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो अर्ली स्टेज होता है, जब वो बन रहा होता है, उसका प्रोसेस सारा जारी रहता है और वो फिर चेंज अपने अंदर लाता रहता है, तो इस अमल को हम कहते हैं कि इसके अंदर जो प्रोसेस स्टार्ट है वो डिवेलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट है. देन एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन में क्या होता है? हमारे पास जो हम फूड को इनटेक करते हैं, उसके नतीजे में हमारा बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स या वेस्ट केमिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, उसको बॉडी से बाहर फेंकना, उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देना, एक्सक्रीशन कहलाता है. देन इरिटेबिलिटी. इरिटेबिलिटी में हमारे पास क्या होता है कि हमारी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इरिटेबल होते हैं, यानी कोई भी अगर हम पर कोई भी चीज़, इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर कोई किसी इंसान को इरिटेट करता है तो वो क्या करता है, उसके नतीजे में अपना रद्दअमल शो करता है. जैसे अगर कोई किसी को इरिटेट कर रहा है तो या तो उसको डांटेगा या फिर उसको थप्पड़ मारेगा. अगर हम प्लांट्स के अंदर इस बात को समझें तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो टच मी नॉट का प्लांट है कि अगर हम उसको टच करते हैं तो वो अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ज़रिए से अपने लीव्स को फोल्ड कर देता है. ठीक है, यानी इरिटेबिलिटी शो कर देता है. इस चीज़ को कहते हैं कि इरिटेबिलिटी. देन रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी एक नस्ल दर नस्ल का जो सिस्टम है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो जारी रहता है, कंटिन्यूस रहता है, इसको हम कहते हैं कि ये रिप्रोडक्शन है. ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसके और टॉपिक्स पढ़ेंगे चैप्टर 1 के. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.